तो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, कृष्णा इसके चैनल में आपको स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले यूट्यूब वीडियो के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम उन यूट्यूबर के बारे में बात करने वाले जो नया चैनल बनाते हैं। ठीक है, नया चैनल बनाते हैं तो उस टाइम हमें एक काम बहुत मुश्किल होता है, वो क्या, वो होता है कि हमारे चैनल को ग्रो करना। जी हाँ दोस्तों, अपने चैनल को ग्रो करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है और ये करने के लिए काफ़ी कुछ करते हैं कि मतलब किसी तरीके से हमारी वीडियोज़ पर व्यूज आ जाए, बट फिर भी बहुत मुश्किल से हमें व्यूज मिल पाते हैं। तो आज की इस वीडियो में आपको दो एक ऐसी सेटिंग्स में आपको बताऊंगा जिससे आपके वीडियोस पे जो है व्यूज काफ़ी अच्छे आना स्टार्ट हो जाएंगे। अगर आप एक नए यूट्यूबर हो और आपकी वीडियोस पे व्यूज कम आते हैं तो भाई ये वीडियो को पूरा एंड तक देख लीजिएगा, उसके बाद आप नहीं कहोगे कि आपकी वीडियोस पे व्यूज नहीं आते। तो यार वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत करिएगा। तो चलिए गाइस वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कुछ करना क्या है आपको। देखिए गाइस, करना क्या है वो मैं आपको अपने फ़ोन पे करके भी दिखा देता हूँ, जो कि आपको साइड में स्क्रीन पे दिखाई देने वाला है। तो गाइस देखिए, सबसे पहले हमें करना क्या है कि मान लीजिए हमने कोई भी वीडियो एडिट मतलब कि बना ली, एडिट कर ली। एडिट करने के बाद उस वीडियो के उसमें हमें फाइल में जाना है। फाइल में जाने के बाद हमें करना क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए गाइस, फाइल जहाँ पे हमने वीडियो एडिट की, हमारा फोल्डर जो भी फोल्डर है वहाँ पे हमें जाके अपनी फाइल को सिलेक्ट करना है। और सिलेक्ट करने के बाद में गाइस आपको क्या करना है कि वहाँ पे आपका उसका रीनेम जो आता है, जो नाम जो आता है वो कुछ अलग रहता है, टेक्स्ट वगैरह में कुछ गिनती इस टाइप से लिखा हुआ आता है। आपको क्या करना है उसको, उस फाइल को रीनेम करना है। रीनेम करने के बाद में उसका जो है नाम चेंज कर देना है, और नाम वो रखना है आपको, मैं आपको बताता हूँ, नाम वो रखना है जो कि आप अपने वीडियो जिस टॉपिक से आपने वीडियो बनाई है, जो कि आप टाइटल में डालना चाहते हो। जी हाँ दोस्तों, जब जो वीडियो के अपलोडिंग करते टाइम टाइटल में आप डालना चाहते हो, वो टाइटल आपको उसके उसको रीनेम करके वो टाइटल सेट कर देना है। उससे क्या होगा, उसके बाद में गाइस आपको करना क्या है कि आपको जो है अपना अपने फ़ोन में क्रोम ब्राउजर ओपन करना है। तो मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ क्रोम ब्राउजर ओपन करके। तो गाइस देखिए, मैंने ये क्रोम ब्राउजर ओपन किया और यहाँ पर आपको सर्च बार में लिखना YouTube मोनेटाइजेशन। ठीक है, ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे इसको यहाँ पे चेक कर लेना, डेस्कटॉप मोड पे करके लेना। ठीक है, डेस्कटॉप मोड पे सेट है, इसको इनेबल करना है। उसके बाद में गाइस क्या है, क्या कुछ इस तरीके का इंटरफेस हो जाएगा या फिर हमें लॉगिन करने के लिए बोलेगा। ठीक है, लॉगिन करने के लिए बोलेगा, तो हम लॉगिन कर लें। अगर हमारे आईडी अगर ऑलरेडी पहले से लॉगिन होगी तो हमें लॉगिन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद में गाइस आपको क्या करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो गाइस देखिए करना क्या है, यहाँ पे आपको जूम करोगे तो यहाँ पे आप देखेंगे ये एक एरो का निशान आपको देखने को मिल जाएगा, एरो के निशान पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। गाइस यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक अपलोडिंग का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। यहाँ से मैंने वीडियो अपलोड, तो यहाँ पे देख सकते हैं सिलेक्ट फाइल टू अपलोड, मतलब कि यहाँ पे हमसे बोला जा रहा है कि अभी जिस वीडियो को अपलोड करना चाहते हो उस फाइल को सिलेक्ट कर लो। तो यार हमें यहाँ पे एरो के निशान पर क्लिक करना है और यहाँ से अपनी जिस तरीके से हम अपनी फाइल को लेना चाहते हैं वो तरीके से हम फाइल को ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे किसी और तरीके से लेनी है, या फिर फाइल मैनेजर से लेनी है, या फिर फोटोज वगैरह या जहाँ भी है, अब हम अपनी फाइल को उस तरीके से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यार मैं वीडियोज के हिसाब से लेता हूँ, वीडियो में सबसे ऊपर आएगी। फिर देखिए मान लीजिए जैसे कि मेरी ये वीडियो है ये, ठीक है, मैं यहाँ पर अपलोड नहीं करने वाला क्योंकि अपलोड करके सिर्फ आपको दिखा देता हूँ, बाद में मुझे कैंसिल करना रहेगा। तो देखिए गाइस कि ये मेरी वीडियो है, तो अभी आप देखेंगे कि जो मेरी वीडियो है वो ऑटोमेटिक अपलोड हो गई और यहाँ पे टाइटल आप देख सकते हैं कि जो टाइटल मेरी इस वीडियो के उस वीडियो में था ऑलरेडी, वही टाइटल आप यहाँ देख रहे हैं कि वो यहाँ पे सेव हो गया। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे टाइटल हमें और आपने ऑलरेडी अपनी फाइल का नाम टाइटल जो रीनेम कर दिया होगा, जो भी टाइटल में आपको डालना है वो ऑलरेडी आ गया होगा। तो अब आपको टाइटल चेंज करने की जरूरत नहीं है और यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन वगैरह सारा जो भी भरना है अच्छे से डिस्क्रिप्शन लिखना। डिस्क्रिप्शन भी बहुत ज़्यादा मायने रखता है वीडियो को वायरल करने में। तो गाइस आपको डिस्क्रिप्शन काफ़ी अच्छे से सेट कर लेना है जो है डिस्क्रिप्शन। उसके बाद में यहाँ पे आपको टैग डाल देना, जैसे कि आपकी वीडियो है हाउ टू मेक यूट्यूब वीडियो, तो ठीक है ये लगा के इसको कॉमा कर देना। और उसके बाद में इस टाइप से टाइटल वगैरह डाल देने, आपको यूट्यूब वीडियो जो भी आप डालते हैं उससे रिलेटेड टैग लगा देने। टैग लगा के आपको अच्छे से मतलब 10 से 12 या फिर मतलब कि 10 से कम टैग ना डालें, 10 से 12, 15 से ज़्यादा टैग ना डालें, मतलब 10 से 15 के बीच में टैग आपको डालना जरूरी है। उसके बाद में गाइस ये दो सेटिंग्स आपको करना है, उसके बाद जो है आपकी वीडियो जैसे ही अपलोड होगी ऑटोमेटिक पब्लिक हो जाएगी और काफ़ी अच्छे व्यूज जो है आपको देखने को
मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, इससे क्या होगा कि हमारी जो वीडियो है वो डेस्कटॉप मोड पे से अपलोड की जाएगी, तो काफ़ी अच्छी मतलब वीडियो भी काफ़ी अच्छी वीडियो पे सजेशन में आती है और काफ़ी अच्छे व्यूज आते हैं। एक बार आप ट्राई जरूर करना, और ट्राई करने के बाद अगर आपको व्यूज नहीं आए तब आप बोल सकते हैं, कमेंट करके मुझे कुछ बता सकते हैं कि व्यूज नहीं है, वरना आपको कमेंट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि काफ़ी अच्छे व्यूज आपको पहली वीडियो में रिजल्ट दिख जाएगा। जितनी आपकी पहली वीडियो है उनसे ज़्यादा व्यूज आपको इस जो इस ट्रिक से आप यूज वीडियो को अपलोड करोगे उस पर आपको दिख जाएंगे। तो बस यही दो काम आपको करने हैं, दो सेटिंग से आपको इनेबल करनी है और आपके जो व्यूज हैं काफ़ी अच्छे तरीके से आपके चैनल पे आने लगेंगे, बहुत सारे व्यूज आपको मिलने लगेंगे। और लॉग इन करके आप अगर इसी ट्रिक से वीडियो अपलोड करते हो तो काफ़ी जल्दी आपका चैनल ग्रो करने लगेगा। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई हो, अगर वीडियो पसंद आई हो तो यार वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और हाँ दोस्तों कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये हमारी वीडियो कैसी लगी।